ऑन द 19th of June जयराज जो कि एक आम आदमी है, ही रैन मोबाइल फोन स्टोर इन तूतुकुड़ी रीजन इन तमिलनाडु. ही वॉज अरेस्टेड बाई पुलिस फॉर कीपिंग ए स्टोर ओपन टिल 8:15, जबकि शॉप्स को 8 बजे तक का टाइम मिला था. ही एक्सीडेड द टाइम लिमिट बाई जस्ट 15 मिनट्स. बेनिक्स उनके बेटे थे. ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू चेकअप ऑन हिज फादर एंड टू फिगर आउट वॉट हैड हैपेंड. 2 दिन बाद द फादर सन डुओ वेर नो मोर. ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक दे डाइड ऑफ इंजरी सस्टेन्ड बाई रोलिंग ऑन द रोड और एंड अदर रेस्पिरेटरी फैक्टर्स. लेकिन लोगों का कहना कुछ और है, एंड फ्रॉम द आई विटनेस रिपोर्ट्स इट्स क्लियर कि ये इंजरीज कैसे हुई थी. भाई नाउ अभी आप सभी लोगों को पता तो चल गया होगा कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था. आप इंटरनेट पे देख सकते हैं एंड देर मस्ट बी प्लेंटी ऑफ न्यूज आर्टिकल्स आउट देयर जो क्लियरली बता रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, दैट दिस मैन वेर टॉर्चर्ड एंड दे डाइड. इट्स हार्ड टू टॉक अबाउट एंड इट्स मोर हार्ड टू इवन इमेजिन कि इनकी फैमिली वालों पे क्या बीत रही होगी. आई रिमेम्बर एन इंसिडेंट इन पॉन्डिचेरी जब एक रिक्शा ड्राइवर ने मेरे डैड को अब्यूज किया था. ही अब्यूज माई फादर एंड आई कुड नॉट टेक इट. आई कुड नॉट टेक इट. आई हैड टू डू समथिंग अबाउट इट. सो मैंने क्या किया, चोरी चुपके से उसका रिक्शे का चाबी लिया और गटर में फेंक दिया. आई वॉज इन माई टीन्स बैक देन. आई वॉज ए टीन एज एंड ही हैड मतलब दिस गाय ही हैड जस्ट कॉल्ड माई फादर ए नाई विच इन तमिल मीन्स डॉग. टू मी माई फादर हैज ऑलवेज बिन माई हीरो एंड आई थिंक टू मेजोरिटी ऑफ अस आवर फादर्स हैव ऑलवेज बिन आवर हीरोज एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर एक दिन कोई रैंडम स्ट्रेंजर आके मुझे कुछ उल्टा सीधा बोले तो मेरा बाप आ जाएगा मेरे लिए खड़ा होने. ही इज गोइंग टू स्टैंड फॉर मी एंड दैट इज द केस विद ऑल द फादर्स आउट देयर एंड दैट्स ऑल्सो द केस विद मोस्ट ऑफ द सन्स आउट देयर. दे विल डिफेंड देयर फादर्स. दे विल स्टैंड अप फॉर देयर फादर्स जस्ट द सेम वे फादर स्टैंड्स अप फॉर देयर सन्स. नाउ इमेजिन सीइंग योर फादर बीइंग ब्रूटली असॉल्टेड, सोडोमाइज्ड, बीटन टिल द स्किन फॉल्स ऑफ एंड यू आर राइट देयर. आपके सामने आप ही के बाप को कोई इतना मार रहा है कि उनकी खाल निकल के जमीन पर गिर रही है. उनको सेक्सुअली टॉर्चर किया जा रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते. इमेजिन यू आर ए फादर, द किड हु यू लव, जिसके लिए आप अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हो सकते. आज आपकी आंखों के सामने कोई आपके बेटे को ऐसे वायोलेट किया रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते. आई हैव सीन एनफ पोर्ट्रेल्स ऑफ हेल टीवी पे, बुक्स, कॉमिक्स, मूवीज एंड इट्स लाइक हेल क्या है. आई मीन इफ दिस व्हाट दीज फादर सन दे हैड टू गो थ्रू, आई थिंक दैट वाज हेल. हेल इज नॉट अ स्पेशल प्लेस. इट्स नॉट एनीवेयर एल्स. इट इज बिलीव दैट व्हेन वी डाई वी गो टू हेल और हेवन, बट व्हाट दीज टू वेंट थ्रू दैट वाज हेल. दैट वाज हेल ऑन दिस अर्थ. आई वांट every father watching this or listening to this to stand up and raise your voice. I want every son who is watching this, listening to this, to stand up and raise your voice. We are always ready and willing to do whatever it takes to protect our family. हम हमारे फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते.
Nobody wants to suffer. No one deserves to go through what this family had to go through. And these things will stop only if we stand together. हम सबको एक होना चाहिए. We are India. चाहे हम नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न, ईस्टर्न या सदर्न रीजन से, बट हम इंडियंस ही हैं. हम सब का खून इस देश का है. हम सब इस देश की देश के हैं. हम सब इस देश के हैं. आई रिमेम्बर इन स्कूल वी यूज टू रिसाइट द नेशनल प्लेज, जिसमें एक लाइन था, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. Like most of us, we grew out of school and these lines just became lines. But, lekin, the one thing that didn't change is us. Hum sab abhi bhi is desh ke hain. Hum sab mein is desh ka khoon abhi bhi hai. And we as Indians have got tremendous ability. Hum saath jab ho jate hain, to hum kuch bhi kar sakte. अगर आपको अपनी ताकत का एग्जाम्पल देखना है तो आप लोगों को याद होगा कि कैसे हम लोग एक होके टिकटॉक की रेटिंग्स गिराए थे. दैट वॉज एंड इज आवर स्ट्रेंथ, दैट टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग. रिमेंबर व्हेन यू ऑल थॉट कैरी मिनाटी वॉज अनफेयरली ट्रीटेड एंड हिज वीडियो वॉज डिलीटेड विदाउट एनी वैलिड जस्टिफिकेशन. You guys also came up with a hashtag, justice for Carry. That is your power. You rallied together, sabko saath mein kiya and stood up for what you felt was injustice. Abhi jo hua hai, wo bhi injustice hi hai. Jairaj and Benix ko justice milna chahiye. अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप क्या कर सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एजुकेट कीजिए. ईमेल्स लिखिए टू ऑफिशियल्स इन पावर. अपनी आवाज दें, एक अच्छी मूवमेंट का हिस्सा बने. पेटिशन साइन कीजिए, गवर्नमेंट्स को लिखिए, हाई कोर्ट को लिखिए, पीएम तक को लिखिए. और जिसको लग रहा है कि ये सब से कुछ नहीं होने वाला, ये सब सिर्फ घर बैठे कीवर्ड वॉरियर्स हैं जो कुछ कर नहीं सकते, वो गलत है. कि आउटरेज से बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी डायरेक्शन चेंज किया है. फेयर एंड लवली ब्रांड ने फेयर वर्ड को अपने ब्रांड से ड्रॉप किया. शादी डॉट कॉम ने अपने ब्यूटी फिल्टर हटाया. सोनिक द हेजहॉग मूवी के टीम ने अपना पूरा मूवी का सीजीआई पे वापस से रिवर्क किया था. एंड ऑल दिस वाज बिकॉज पीपल टुक टू सोशल मीडिया टू वॉइस आउट व्हाट दे फेल्ट वाज इनकरेक्ट, व्हाट दे फेल्ट वाज रॉन्ग. डू यू स्टिल नीड मोर प्रूफ? डू समथिंग गुड. यू हैव द पावर, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी.